इस आज का कुछ इंस्पिरेशन कोट मेरे प्यारे साथियों, जमाना नहीं बोलता पैसा बोलता है। यस, जमाना नहीं बोलता पैसा बोलता है। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे साथियों। बस आज गार्डन में आया हूँ। आज एक बहाना रखता था कि भाई बहुत धूप है, पर नहीं, ऐसा सोच लिया कि आना ही, क्योंकि मैं जब गार्डन में आता हूँ तो मैं हमेशा प्रोडक्टिव रहता हूँ और मेरा डे पूरा बहुत अमेजिंग बन जाता है और अच्छे अच्छे लोगों से मिलता हूँ और कनेक्शंस बढ़ते हैं, और मुझे वही पसंद है, अच्छे अच्छे कनेक्शन बिल्ड करना। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल मैं आपको एक सस्पेंस बात बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल मैं नेटवर्क बॉन्डिंग, नेटवर्क बनाने की प्रोसेस में लगा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में भी और हर चीज़ के लिए। ओके, चलो मिलते हैं, उसकी डिस्कस कभी और करेंगे, अभी दूसरी जगह पे जाके। स्वार्थी जब कब बनेगा, स्वार्थी मतलब कि सेल्फिश, अपने लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ सोचना, अपने लिए ही सब कुछ करना। अपन जब हम अच्छे होंगे तो हम दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। सही है। इसके लिए पहले, सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को चेंज करने के लिए हमको सेल्फिश बनना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा, और जागरूक बनके हम जैसे हमारे में इम्प्लीमेंट लानी पड़ेगी, फिर लोगों को वो शेयर करनी, तब लोगों को बदल सकते हैं। बदलने के पहले तो हम अपनी खामियां क्या है, अपनी खामियां हमारी जो जो खामियां है, तो छोटी छोटी जो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको पता नहीं होता है, उसको ढूंढना पड़ेगा। और हमारी खामियों को हम ढूंढेंगे, खामी अगर मिल जाती है उसका लिस्ट आउट करो, और दिन में एक खामी कम से कम उसको दूर करो। जितनी भी हमारी बैड हैबिट्स है, वो बैड हैबिट्स को या बैड थिंकिंग से, बैड थॉट्स, वो सबको आप अपने दिमाग से निकाल दो। और निकालने के लिए आप एक दिन में या दो दिन में नहीं कर सकते, फॉर दैट यू हैव टू वर्क डेली बेसिस, और इम्प्रूवमेंट अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब भी आप इम्प्रूव हो जाएंगे, देन आप कर सकते हैं। सही है। कुछ भी करने के लिए पहले तो सबसे पहले आपको मन में, दिमाग में एक फॉर्म सोच आनी चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, नहीं अभी आज मेरे को ये कम से कम झूठ बोलने की बात छोड़नी है, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए यह बहुत सारा टाइम लगेगा, वो तो लगता है। पड़ेगा कि हम कहाँ झूठ बोलते हैं, वो ढूंढना पड़ेगा, पहले उसको ढूंढो कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर कहाँ इम्प्रूव करना है। गलतियाँ निकालने के लिए हमें अपने आप की जो भी गलतियाँ है, अभी झूठ बोलने का तो हम क्यों झूठ बोलते हैं, उसका रीजन क्या है। अगर रीजन पता चल जाएगा, रीजन को हम अपने सेल्फ के लिए, हमारे लिए किसी को झूठ बोल के आगे पीछे कर देते हैं, तो झूठ बोलने का बंद कर देंगे तो बहुत सारी बुराइयां जो है अपने सब बुराई है उसमें से निकल जाएगी। प्रॉब्लम ढूंढ लिया तो प्रॉब्लम का वजह रीजन क्या है वो आने का, तो वजह ढूंढो। अगर आपको प्रॉब्लम का वजह पता चल गया, रीजन पता चल गया, तो रीजन को आप सॉल्व करो। आप रिजल्ट जब पता चला कि भाई ये बहाना नहीं करना है, तो बहाना भूल जाओ, और बहाने के ऊपर बहाना आप करते जाओ, तो कुछ भी काम नहीं होगा। इसलिए हमें सही है। फिर मैंने यही सोचा कि चलो जाना है, अभी कोई बहाना नहीं करना, डेली आऊँगा अभी, तो बस ऐसा ही आ गया, तो मैं आता ही रहता हूँ। साथियों, जमाना नहीं बोलता पैसा बोलता है। पैसा, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, यही है, यही हकीकत है, और यही चलेगा, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, यही ज़रूरी है। चलो मिलते हैं इन वडोदरा समागाव। अच्छी है, वाओ।
वाह सीनरी अच्छी लगती है ये सोसाइटी, मुझे ऐसी ऐसी सोसाइटी में भी ऐसे कम रहना अच्छा लगता है, ऐसे तो अच्छा है बट जा रहा हूँ अभी घर पे जाके खाना बना रहा हूँ, अगर खा के फिर कुछ काम है बाद में बताता हूँ। ओह माय गॉड ये घर तो देखो यार, ऐसा घर होना चाहिए लाइफ में, बस ऐसा ही ड्रीम है मेरा, इसके वाला घर या इसके वाला घर, दोनों में से एक तो होना ही चाहिए लाइफ में। सरप्राइज करना चाहता हूँ बट थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए लाइफ। साइकिल चला के ब्लॉग करना बहुत कुछ अच्छा लगता है पर कभी गिरूंगा कभी कुछ होगा तभी पता चलेगा। ये रास्ता थोड़ा गांव फील करवाता है। मेरे साथियों अभी मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि कौन सा करियर बनाऊँ, मैं फाइनेंशियली जल्दी फिट हो जाऊँ और फैमिली को सिक्योर करूँ और अपनी लाइफ पीसफुली जी पाऊँ, वो रेज वाली लाइफ विदाउट एनी ट्रेस और एनीथिंग एल्स। ओके तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो गाइज ये बिल्डिंग बन गई, इसमें बिल्डर सब क्राइटेरिया बहुत अमेजिंग होता है। इस रईस बनने का मुझे एक ही अच्छा पता चला कि कोई बिजनेस पर्च करो ताकि आप आगे जल्दी बढ़ पाओ, बिजनेस से ही आप रईस लाइफ जी पाओगे, वरना कोई सर्विस से तो आम लोग जीते वही और सोसाइटी में थोड़ा सम्मान रहेगा, बट रईस और पीसफुली जीना है तो बिजनेस करो, लोगों को काम करवाओ, लोगों को करके उनकी इनकम जनरेट करवाओ, वही रईस लाइफ है। ओके गाइस अभी मेरा टाइम हो गया है ड्यूटी पे जाने का, आज मैं दिन में 4-5 घंटा सो गया और मैंने ज़रा कुछ प्रोडक्टिव डे नहीं बनाया। एक्चुअली कल मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है सो कल व्लॉग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बनेगा, मैं किन किन लोगों से मिलता हूँ और क्या क्या करता हूँ। आजकल मैं थोड़ा बहुत बिजनेस में लगा हूँ तो थोड़ा बिजी मैन बन गया हूँ, बट यस रियली आई थॉट कि अगर हम बिजनेस में जितना मनी क्रिएट कर सकते हैं कहीं नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा है मेरा डाउट क्लियर कर लेता हूँ। मेरा जो पैशन है, किसी चीज़ में पैशन लाना भी उसके लिए थोड़ा बहुत पेशेंस देना पड़ता है, पैशंस को क्रिएट करने के लिए भी किसी भी चीज़ में पेशेंस देना पड़ता है, सो मैं अभी वो कर रहा हूँ। सो अभी नहीं बताना मैं व्हाट मेरा क्या बिजनेस है वगैरह क्या नहीं। ओके चलो मिलते हैं अभी ड्यूटी में जाके आपको मिलता हूँ, मैंने सोचा कि थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ खुद को। चलो ऑर्चिड में भैया बोलेंगे छोड़ता ही नहीं वीडियो बनाना, बट क्या है मेरा पैशन है। चलो ये अपनी ड्यूटी पे आ गए, आज तो रात में 12 बजे से ही ब्लॉग बनाना चालू कर दूंगा ताकि मैं अपना ब्लॉग भी इन्फ्लुएंस करूँ और बहुत छोटा छोटे बहुत चीज़ें करूँ। ओके सो गाइस अभी